नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस वक्त जो है कोविड 19 को लेकर जो है काफ़ी जो है माहौल जो है जिस तरह से देखा जा रहा है, कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी गंभीर है। लोग महाराष्ट्र बोलो या पूरे देश में जो है लोग इससे काफ़ी जो है सदमे में है। 144 लगाया गया है और ऐसे में कलवा मुमरा विधानसभा के आमदार और जो है मंत्री हैं जो है वो इस वक्त जो है पूरे अपने क्षेत्र को जो है वहाँ पर टहल रहे हैं, लोगों से किस तरह से अपील कर रहे हैं हम उन्हीं से जानते हैं। आवाज़ साहब, जो है आज जो जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर जो है माहौल जो है देखा जा रहा है और लोग मुमरा में जो है जिस तरह से कोरोना वायरस को साइड में रखकर जो है कभी मैच खेल रहे हैं तो स्कूटी चला रहे हैं, इसको लेकर जो है उस कितना बर्ताव कर रहे हैं और आपका क्या कहना है इस पर? देखो, ऐसा है कि जान है तो जहान है, सर सलामत पगड़ी 50। जिस तरीके से पूरी दुनिया में माहौल दिख रहा है, अगर ये हमको समझ में नहीं आ रहा है तो लगता है मुझे हम मौत को दावत दे रहे हैं। अभी मुझे पुलिस ने खुद ने बुलाया कि आप जरा घूमो, आप लोगों को बताओ। पुलिस कोई सख्ती से कार्रवाई शुरू करवा दे, उसके पहले मैं ये लोगों से कहना चाहता हूँ कि बाद में मेरे हाथ में भी नहीं रहेगा, क्योंकि कल से पुलिस प्रशासन अपने ताबे में ले लेगी सब कुछ। आपको अगर ये लगता है कि मुझे क्या होने वाला है, तो इटली में हर आदमी को यही लगता था, मुझे क्या होने वाला है। वो जो कीटाणु है, जो वायरस है, वो खीसे में बैठ के आएगा, कॉलर में बैठ के आएगा, सर में बैठ के आएगा, किधर से आएगा, कौन लाएगा, किसको पता है। आप घर में बैठो ना, ना घर में किसी को आने दो, ना घर से बाहर निकलो। 8 दिन अगर ऐसे हालात रहे तो अपने आप वो फैलना बंद हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे रास्ते पे घूम रहे हैं, कोई मैच खेल रहा है, कोई गप्पे मार रहा है, क्या मालूम कौन किधर से आया। कलवा मुमरा में अगर जो है किसी को कोरोना वायरस होता है तो कुछ लोग जो डरते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है इलाज के लिए, बहुत सारी बातें हैं, तो वो लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं डॉक्टरों के पास, तो उसके लिए आपके तरफ से देखो, ऐसा मत सोचो पैसे नहीं है, ये नहीं है। आपकी ज़िंदगी और आपके जान के लिए हमारी जान हाजिर है। और आप जो है एक महाराष्ट्र के जो है जवाबदार हैं, लेकिन जो है डॉक्टरों को किस तरह से आपने जो है डॉक्टर लोग सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो पुलिस की और डॉक्टर की है। उनको बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। डर के भागना, ये कोई ऐसी दवाई नहीं मिलने वाली, ऐसे नहीं है, दवाई आ चुकी है। क्या कहेंगे आप जो है, आखिरी सवाल है, क्या कहेंगे मुमरा को? ऐसा है कि जिसको खांसी हुई है, जिसको बुखार लग रहा है, जिसको ज़रा तकलीफ़ हो रही है, वो अपने आप की जांच करवा ले। मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, आपको अगर जांच करवानी है तो मेरे मोबाइल पे आप कांटेक्ट करिए। किसी को पता भी नहीं चलेगा आपकी जांच कहाँ हुई, क्या हुई है। इत्मीनान से घर में बैठिए, लेकिन बाहर मत घूमिए। और जो लोगों को जो सदमा है कि पैसे ज़्यादा लगेंगे, उसके लिए क्या है आपके पास, मतलब कुछ ऐसा है कि आप जाओ तो, मैंने पहले बोला ना, जान है तो जान है। आपको बाकी पैसे है ना आपके पास, वो टीवी का ये लेने के लिए वगैरह, तो ये भी थोड़ी फिक्र करो ना। और इसलिए घूमो मत तो होगा ही नहीं ना, होने पे फिर करेंगे, फिर क्या होगा, उससे अच्छा घर में बैठो, कुछ नहीं होगा। ये थे जो है डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड, जो कलवा मुमरा का जो है आमदार है और उसके बाद जो है वो गृह मंत्री हैं, जो है महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उन्होंने जो है अभी फ़िलहाल मुमरा में घूम रहे हैं, लोगों की सिचुएशन देख रहे हैं कि आखिर धारा 144 लागू है और उसके बाद जो है लोग जो मुमरा में सड़कों पर जो है निकल कर जो है बाहर घूम रहे हैं, उसके लिए उन्होंने बताया जो है और इनकी तैयारी किस तरह से उसके बारे में बताया। डॉक्टरों से भी मिल रहे हैं, डॉक्टरों से भी जो है मतलब टाइट कर रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर, जो जिस तरह से काम करने के लिए उनके लिए भी वो बात कर रहे हैं डॉक्टरों से कि आखिर वो कैसे काम करेंगे। तो बहरहाल वो पूरे मुमरा कौसा में जो है वो घूम रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब जो है, और लोगों को यही समझा रहे हैं कि आप जो है घरों में रहें। बहरहाल जो है जिस तरह से कोरोना वायरस का जो कहर है, जो है दहशत है, उसको लेकर आज जो है पूरे महाराष्ट्र में जो है धारा 144 लागू है और भी कई जो है राज्यों में धारा 144 लागू है। 31 मार्च तक ये चालू रहेगा, लेकिन जो है आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, तभी आप लोग की जानें बच सकती है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।